इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि दोस्तों अगर आपके पास है कोई सा भी दोस्तों वन प्लस का मोबाइल और उसमें दोस्तों आप जो है अपने दोस्तों ऐप लॉक का पासवर्ड दोस्तों भूल गए हैं, तो दोस्तों अब दोस्तों आप जो है अपना दोस्तों ऐप लॉक का पासवर्ड कैसे दोस्तों फॉरगेट कर सकते हैं और फिर आप दोस्तों नया पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको दोस्तों उस ऐप के अंदर जाना है जिस ऐप को आपने लॉक दोस्तों कर रखा है। जैसे मेरा दोस्तों क्रोम ऐप लॉक है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक दोस्तों लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों क्योंकि हम जो है अपने दोस्तों ऐप लॉक का पासवर्ड दोस्तों भूल गए हैं, तो दोस्तों देखिए अगर आप दोस्तों अपने ऐप लॉक का पासवर्ड भूल गए तो दोस्तों फॉरगेट आपको दोस्तों कैसे करना है। सबसे पहले तो एक बार आपको दोस्तों गलत पासवर्ड ही दोस्तों देना होगा, डाल देंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा फॉरगेट पासवर्ड का, इस पर आपको करना होगा क्लिक। अब दोस्तों अगर आपने दोस्तों ऐप लॉक सेट करते टाइम अगर आपने दोस्तों सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सिर्फ दोस्तों डाला होगा तो आपको सिर्फ आपको यहाँ रीसेट फ्रॉम सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन दोस्तों मिल जाएगा। और अगर आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर डालने के साथ साथ दोस्तों कोई जीमेल आईडी भी ऐड दोस्तों किया होगा तो दोस्तों रीसेट फ्रॉम सिक्योरिटी क्वेश्चन के साथ साथ नीचे आपको यहाँ दोस्तों रीसेट ट्राउथ रिकवरी ईमेल का भी ऑप्शन दोस्तों मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप दोस्तों जीमेल आईडी से दोस्तों रिकवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ रीसेट ट्राउथ रिकवरी ईमेल पर भी दोस्तों क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दोस्तों सिक्योरिटी क्वेश्चन की एक के आंसर की मदद से दोस्तों ऐप लॉक का पासवर्ड फॉरगेट करना है तो आपको यहाँ रीसेट फ्रॉम सिक्योरिटी क्वेश्चन पर करना होगा क्लिक। उसके बाद दोस्तों आपने जो भी दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों ऐप लॉक सेट करते टाइम दोस्तों सिक्योरिटी क्वेश्चन में दोस्तों सिलेक्ट किया होगा तो दोस्तों वो क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा और नीचे दोस्तों आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको दोस्तों देना होगा डाल। और दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों ये जो है दोस्तों ध्यान ध्यान आपको रखना होगा कि आपने दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आपने दोस्तों ऐप लॉक सेट करते टाइम डाला था तो दोस्तों सेम दोस्तों वही आंसर आपको दोस्तों यहां पर भी दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों डालना होगा। दोस्तों एक भी अंक का जो है मिस्टेक यहां पर नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन का आंसर आपने दोस्तों वहां पर डाला था तो दोस्तों सेम वही आंसर यहां पर भी आपको डालना होगा। जैसे मैंने जो है क्वेश्चन दोस्तों मेरा वहां पर था नेम ऑफ योर हाई स्कूल और हमने जो है आंसर में डाला था बरसा और उसके बाद हाई स्कूल, तो हम जो है यहाँ पर आंसर में फिर से देंगे डाल देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ कंफर्म पर मिलेगा ऑप्शन, इस पर आपको करना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों अब आप जो है यहाँ से दोस्तों नया ऐप लॉक का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से 6 अंकों का भी दोस्तों पासवर्ड सेट कर सकते हैं और आप यहाँ यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप पर क्लिक करके 4 डिजिट को सिलेक्ट करके 4 अंकों का भी ऐप लॉक का पासवर्ड सेट कर सकते हैं और आप यहाँ 4 to 16 डिजिट पर क्लिक करके 4 से 16 अंकों का भी सेट कर सकते हैं और आप यहाँ पैटर्न पर क्लिक करके किसी पैटर्न को भी ऐप लॉक का पासवर्ड सेट कर सकते हैं और आप यहाँ अल्फा न्यूमेरिक पर क्लिक करके पासवर्ड टाइप का मतलब कि दोस्तों अंक और अक्षर को मिलाकर भी ऐप लॉक का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दोस्तों 6 अंकों का ऐप लॉक का पासवर्ड सेट करना है तो हम यहाँ से 6 डिजिट को लेंगे सिलेक्ट कर और उसके बाद 6 अंक का पासवर्ड एक बार देंगे डालने के बाद फिर हम यहाँ यूज पर क्लिक करेंगे, फिर वेरीफाई करने के लिए वही 6 अंक का पासवर्ड देंगे डाल। तो दोस्तों अब जो है हमारा ऐप लॉक का दोस्तों वही पासवर्ड दोस्तों सेट हो जाएगा और दोस्तों पुराना वाला पासवर्ड दोस्तों फॉरगेट हो जाएगा और फिर जब हम अपने इस पासवर्ड को डालेंगे तो हमारा दोस्तों लॉक किया हुआ ऐप जो है खुल जाएगा। सो इस तरीके से आप दोस्तों ऐप लॉक का पासवर्ड आप फॉरगेट कर सकते हैं अपने वन प्लस के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।